बड़ी खबर के साथ जो कि विदिशा से मिल रही है, जहां गंज बासोदा में बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है। हादसे में करीब 2 यात्रियों की मौत की खबर है, 11 यात्री घायल। कुरवाई अस्पताल में उनका इलाज जारी है। विदिशा में कुरवाई की ओर से ये बस जा रही थी नेशनल हाईवे 86 महलुआ चौराहे का, ये मामला बताया जा रहा है। तो खबर विदिशा के गंज बासोदा से, जहां बस और ट्रक में भिड़ा। तस्वीरें आपके सामने, हादसे में करीब 2 यात्रियों की मौत हो गई, 11 यात्री घायल बताए गए। जानकारी देंगे विजय, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर बने हुए हैं। विजय, घायल यात्रियों की हालत क्या है और हादसे के बारे में जानकारी दें। देखिए, घायल यात्रियों का इलाज कुरवाई के शासकीय अस्पताल में किया जा रहा है और ये NH86 के महलुए चौराहे पास बड़वाई गांव के पास घटना है, जिसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले 2 लोगों की मौत पुष्टि की है, लेकिन अब 4 लोग हुए हैं जिनकी मौत हुई है। हादसा कैसे हुआ था? बस और ट्रक में भिड़ंत बताई जा रही है, क्या किसी तरह की लापरवाही देखने को मिली? बस विदिशा की ओर आ रही थी और यात्रियों का सीधा कहना है कि ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था और अचानक से ट्रक सामने आया और ड्राइवर ने एकदम से अनियंत्रित हो गई बस, और जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है। विजय, ये नेशनल हाईवे 86 है जहां पर ये घटना हुई है, किस तरह की व्यवस्था है, सड़क कैसी है, क्या पहले यहां पर इस तरह के हादसे सामने आए? देखिए, सड़क तो बेहतरीन सड़क है और इस पर काफी स्पीड में वाहन चलते हैं और ये बिना रिफाइनरी के लिए रोड गया है, इसलिए रोड भी काफी चौड़ा है। ये नहीं कह सकते कि रोड खराब है, लेकिन इसमें ड्राइवर की बड़ी लापरवाही यात्री बता रहा है, लेकिन ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है, मैं ये बताना चाहूंगा।